माय गॉड, ताहिरा अफजल कैसे गाइस, आप लोग ठीक हो? और मैं ठीक हो गई हूँ। हाँ, मैं ठीक हो गई। और गाइस, काफी लोगों को पता है मेरा कि मैंने अपने चैनल को डिलीट कर लिया, और कुछ लोगों को अभी तक पता ही नहीं कि मेरे साथ क्या हुआ और क्या नहीं हुआ। और जिसकी खैर, उन लोगों को पता नहीं है, काफी लोग मेरे इंस्टाग्राम पे आ रहे हैं, कहते तेरा तारी वीडियोस नहीं है। तो उनको अभी तक गाइस नहीं पता कि हुआ क्या मेरे साथ। बारिश आई, तूफान आया, सारा कुछ चला गया। उनको अभी ये पता चला है कि मेरे पे तूफान भी आया, सारा कुछ आया। अभी उनको कुछ उठ रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। कुछ लोग काफी देर के बाद मेरी वीडियोस को देखते हैं। अच्छा गाइस, चले ठीक है। काफी लोगों को जो पता नहीं है, मैं बता देती हूँ। मैंने अपने चैनल को डिलीट कर लिया था, और 1 महीना होने वाला है, अभी हुआ नहीं है। मेरा ख्याल है 1 महीना होने वाला है अभी। गाइस, कुछ टाइम से मैं डिप्रेशन में थी। बात साफ करती हूँ। बात साफ करनी भी चाहिए। कुछ टाइम से मैं डिप्रेशन में थी, जिसकी वजह से सबसे पहले मैंने निशाना बनाया ठाक करके अपने चैनल को, उसको मैंने उड़ा दिया था। उसके बाद मैं बड़ी उदास थी, और मेरे से कुछ भी नहीं हो रहा था। और उसके दरमियान फिर मैंने एक और चैनल बनाया विद 0 सब्सक्राइबर्स। वो मैंने बनाया, और उसके बनाने के बाद मेरे जो जिन दिनों में मैं बहुत डिप्रेशन में थी, उसमें मैंने रोते हुए अपनी एक वीडियो डाली, और विद इन 24 आवर्स वो मैंने डिलीट कर दी विद चैनल। वो भी मैंने डिलीट कर दी थी। ऐसे ही सारा कुछ चलता रहा गाइस। बस इंसान होता है ना, कभी कभी ऐसा बस हो जाता है। माफ कर दो मुझे, मैंने आप लोगों का भी नहीं सोचा, किसी का भी नहीं सोचा। चैनल डिलीट करने के बाद इंसान के पास गाइस कुछ भी होता है, उसको उस वक्त एहसास नहीं होता है कि उसके पास है क्या। और जब वो उस चीज को गाइस खत्म कर देता है ना, उसके बाद उसको पता चलता है कि उसने खोया क्या है। सो फार इट्स ओके, कोई बात नहीं गाइस। मैंने वापस में आई। मैं वापस क्यों आई ये मैं आप लोगों को बता देती हूँ। मैं वापस क्यों आई, मैं वापस ऐसे आई गाइस कि मुझसे आप लोगों के बगैर रहा नहीं जा रहा। आप लोगों की वो बातें, वो अच्छी अच्छी बातें, वो लड़ाइयां, वो सब कुछ मैं मिस कर रही हूँ। और मुझे अच्छा लग रहा है गाइज वापस आना। मुझे अच्छा, हाँ मुझे अच्छा लग रहा है गाइज। आ जाता है कभी कभी ऐसे कोई टाइम जिसपे बंदा अपनी लाइफ को भी खत्म कर देता है। तो हो जाता है, कोई बात नहीं, लाइफ है, चलता है इसमें सब कुछ। और काफी मेरे सब्सक्राइबरों को अंदाजा भी है। उन्होंने मुझसे पूछा, काफी ने पूछा, और काफी ने मुझे कंप्लीटली ना, मुझे सही ऐसे उन्होंने बताया कि हमें पता है तुम्हारे साथ क्या हुआ है। लेकिन चलो कोई बात नहीं, दैट्स ओके। क्या कर सकते, इट्स ओके। इंसान है, इंसानों के साथ ही कुछ ना कुछ होता है। तो मैंने अपना चैनल खत्म कर दिया था। ये मेरा न्यू चैनल है जिसपे आज मेरी वीडियो ये आई नहीं। और इसका जो बैनल है वो इस तरह का है, ये बैनल है। दिखने में मेरा चैनल ऐसा है, किसी और चैनलों पे मत जाओ, फेक बहुत ज्यादा बने हैं। और ये मेरा चैनल है, इसी पे ही मैं आऊंगी। और आज जो मेरी ये वीडियो आई है, ये इसी पे ही आई है। और गाइस, बस जो मेरा जो जो मेरा चैनल था, जिसको जिसको मैं इतना मिस कर रही हूँ, जिसकी वीडियोस, सब्सक्राइबर मेरे, और ओ माय गॉड गाइस, मुझे चैनल डिलीट करने के बाद पता चला कि मेरे खोया क्या है। मेरी जिंदगी है चैनल। तो किसी को अच्छा लगे बुरा लगे, आई डोंट केयर। मैं केयर नहीं करती। मेरी ख्वाहिश आप कह सकते हैं, कुछ कुछ चीज़ों की आपको बहुत डीप इनसाइट, कहीं ना कहीं आपकी ख्वाहिश वो होती है, और आप जब उसको मार देते हो, उसके बाद फिर आपको पता चलता है कि लाइफ के साथ ये सारी की सारी चीज़ें चल रही होती है। ठीक है, बस कुछ ऐसा वक्त था, जो लोग कहते हैं ना कि अगर आप बहुत ज़्यादा खुश हो, बहुत ज़्यादा खुश हो,
तो खुशी में किसी के साथ प्रॉमिस ना करो, वादे ना करो किसी के साथ। जब आप खुश होते हो, खुशी में ऐसे कोई वादे नहीं करने चाहिए किसी के साथ। या जब आप बहुत ज्यादा सैड हो, बहुत ज्यादा सैड हो, जैसे मैं थी, बहुत ज्यादा सैड आप होते हो, तो उस वक्त कुछ ऐसे फैसले नहीं करने चाहिए, उस वक्त फैसला नहीं करना चाहिए। जब आप बहुत दुखी होते हो तो उसमें आपको कोई ऐसे फैसला नहीं करना चाहिए किसी भी किस्म का। खैर, वक्त के साथ बंदा सीखता है, स्लोली स्लोली बंदा सीखता है, वक्त के साथ सारा चल रहा होता है। गाइस, बहुत ज्यादा दुखी हूँ, अंदर से भी बहुत दुखी हूँ और खफा हूँ। मैंने अपने इतने सारे प्यारे प्यारे सब्सक्राइबरों को मैंने रुलाया, मैंने अपनी वीडियो से रुलाया एक्चुअली उनको, और दुख है मुझे मैंने उनको कैसे रुलाया। जब मैंने रोने वाली वीडियो गाइस डाली थी, तो उस वक्त मेरे काफ़ी जो मेरे सब्सक्राइबर है, जो मेरी जिंदगी का एक पार्ट है, वो लोगों उन्होंने वो सब काफ़ी रोए थे मेरी वीडियो देखने के बाद। जब मैंने वो सबके कमेंट देखे, मैंने साथ ही फिर डिलीट कर दिया, और मुझसे वो सब कुछ देखा नहीं गया, मुझसे नहीं देखा गया। और काफ़ी लोगों ने ऐसी बातें की, ज़्यादा दूर नहीं जाऊंगी, फैमिली के ही लोगों ने कहा कि 1 करोड़ की गाड़ी में बैठी है और किसको दिखा रही है, रो रही है। तो मैं किसको दिखा रही थी, बात ना पैसे की होती है, ना गाड़ियों की होती है, और ना घरों की होती है, और नहीं होती इन चीजों की बातें। जब आप किसी के साथ अपनी बातें करते हो, शेयर करते हो, अपना लाइफस्टाइल बताते हो, और ऐसी बहुत सारी चीजें आप बताते हो, तो उसमें ज्यादा आप वो शो करते हो जब आप खुश होते हो। जब आप रोते हो, दुखी होते हो, तो ये चीजें आप लोग नहीं दिखाते हैं, विच इज नॉर्मल भी है मेरे ख्याल में। और मेरे साथ एनीवेज ऐसा ही कुछ हुआ, मैंने अपने चैनल को भी डिलीट कर दिया था, सारा कुछ कर लिया था, और मैं परेशान थी, घर में मैं वीडियो बना नहीं पा रही थी। घर में कोई ना कोई होता है, सुन रहा होता है, देख रहा होता है, रोते हुए देखता है कि फोन के सामने बैठ के रो रही है। तो मैंने गाड़ी में ज़्यादा रिलैक्स अपने आप को फील कर रही थी, मैंने गाड़ी में ही बैठ के वीडियो बना ली थी, और गॉसिप बहुत ज़्यादा शुरू हो गया था। गाइस, मेरी जो वीडियो थी लास्ट, मेरी वो लास्ट थी, और मैं ये कह सकती हूँ गाइस कि 110% नज़र था, और बैडली किसी का नज़र लगा था। मेरे सब्सक्राइबरों में बहुत अच्छे, मेरे दिल और जान से मुझे अजीज़ है, वो तो कभी ना बुरी नज़र से देखते हैं, और ना वो लोग कभी बुरा मेरे लिए सोचते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो लोग बुरे हैं उनकी नज़र बुरी, बदुआएं, बहुत बदुआएं दी हैं मुझे, बहुत बदुआएं मुझे दी गई है, और कहीं ना कहीं जाके असर हो जाता है, इंसान है। अगला अगर एक खुश होता है तो दूसरा अगर दुखी भी होता है, उसको देखता है डेफिनेटली, उसके दिल से किसके दिल से क्या कब निकले कोई पता नहीं चलता। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी, ये मेरा न्यू चैनल है, और इसमें जो मुझे प्यार करने वाले लोग हैं, जो मुझे पसंद करते हैं, मैं उनको बोलूँगी मेरे चैनल पे आ जाएं, और मैं आप लोगों के साथ हूँ। मेरा आप लोगों के साथ जीना मरना है, मैं ऐसे ही बोलूँगी, हाँ मेरा आप लोगों के साथ जीना मरना है, और जब तक मैं ज़िंदा हूँ मेरा ये चैनल रहेगा, अगर यूट्यूब वालों ने, बदतमीज़ लोगों ने कुछ नहीं किया। मैंने 1 महीने से काफ़ी स्ट्रगल किया कि मेरा चैनल पुराना आ जाए, लेकिन नहीं आया। काफ़ी कोशिशें हुई इधर उधर, नहीं आ सका, बहुत मेहनत की मैंने, बहुत, और नहीं आ सका। कोई बात नहीं, इट्स ओके, नया बना लिया, कोई बात नहीं। अगर मैं इस बात को लेके बैठी रहूँ, मैं बहुत डीपली इनसाइड, मैं बहुत ज़्यादा लेती हूँ हर बात को, अंदर ले लेके खुद को मारती हूँ मैं। मेरे साथ हेल्प की गई, मेरे को थोड़ा आगे धक्का दिया गया मेरी बहन ने, मेरी फ्रेंड ने, रोज ने। बी ऑनेस्ट विथ यू गाइस, मेरे साथ हेल्प की गई काफ़ी, मेरी बहन ने और रोज ने की है, मेरी दोस्त है यूके में, उसने की है, उन्होंने मुझे पुश किया, और मैं मुझे रोने के अलावा कुछ भी नहीं आ रहा था, मुझे नहीं समझ आ रहा था, लेकिन उन्होंने काफ़ी मुझे, कहते हैं ना, धक्का दे के काम करवाओ वो हुआ है। मैं थैंक्स कैसे अदा करूँ, मेरे पास अल्फाज नहीं है।
आप लोगों के लिए, अपने दोस्त के लिए, बहन के लिए, मेरे पास कोई अल्फाज तो नहीं है, मैं आप लोगों से माफ़ी चाहती हूँ, मैं मुझे माफ़ कर दो। एक दफ़ा फिर चैनल बनाया, फिर उसमें जल्दी 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 सबने मुझे सब्सक्राइब किया, विद इन वन डे आए, और मैं बहुत थैंक्स अदा करना चाहूँगी और मैं माफ़ी मांगना चाहूँगी आप लोगों से कि मैंने आप लोगों को हर्ट किया। मेरी वजह से मेरी बहन भी जा रही थी, वो खैर नहीं गई फिर तो वो भी जा रही थी, वो नहीं गई, और मैंने सोचा कि मुझे मेरे अपने लोगों के लिए आना चाहिए और मुझे अपनी खुशी को बाहर निकालना चाहिए, अंदर रखना नहीं चाहिए। जैसे मैं लाइफ में काफ़ी चीज़ों को अंदर डीप रखती हूँ, मुझे नहीं रखना चाहिए था। बस गाइज, मैं इतना ही कहूँगी कि मेरे चैनल पे आप लोग यही समझते हैं कि तायरा कभी ना कभी ऐसी कोई ना कोई बात करती है, तो थोड़ा सा इग्नोर कर लिया करो। मेरी आदत है, मेरे मुंह से ऐसी कोई ना कोई बातें निकल जाती है, इंसान हूँ, निकल जाती है, कोई बात नहीं, और माफ़ कर दिया करो और कुछ बुरा मत बोला करो रिजल्ट आप लोगों के सामने है, ऐसा नहीं किया करो। और मैं बस इतना ही बोलूंगी गाइस कि मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है, मैं आप लोगों के लिए वापस आ गई, आप लोगों को मैंने मिस किया और मैं माफ़ी माफ़ी फिर एक दफ़ा मैं मांगना चाहती हूँ आप लोगों से। मैंने आप लोगों को बहुत हर्ट किया क्योंकि मैं डीपली बहुत हर्ट थी। मैंने इंस्टाग्राम, फेसबुक, चैनल एवरीथिंग डिलीट कर चुकी थी, लेकिन इंस्टाग्राम और जो फेसबुक वाले वो थोड़े बेगैरत है, वो रखते हैं एक महीने तक, और ऐसे हम जैसे पागलों का उनको पता है कि हम जैसे पागल जो होते हैं वो वापस आते हैं, लेकिन यूट्यूब वाले जो है ना, उनको भी किस हद तक पता है कि हम जैसे पागल वापस आ जाते हैं, लेकिन हमारा तरीका कभी कभी गलत होता है डिलीट करने का। तो चलो, सजा है, मिल गई, भुगतूंगी पूरी जिंदगी के लिए मेरी काफ़ी हेल्प की गई है गाइज, मैं क्या बताऊँ आप लोगों को, मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है, मैं आप लोगों का सामना नहीं कर पा रही। अगर आप लोग कहते हो तो मैं सामना मैं क्या बोलूँ मेरे पास कहने को अभी कुछ भी ऐसे नहीं है, लेकिन मैं इतना ही बोलूँगी गाइज के ये मेरा चैनल है और इस पर वो लोग आए, माइंड ना करें, आई एम सो सॉरी मैं ये बात करने जा रही हूँ, और मैं अपनी आदतों से मेरी आदत है बात साफ सामने करने की। मैं बस इतना ही बोलूँगी कि प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, तीन दफ़ा मैंने कहा, मेरे चैनल पे वो बंदा आए जो रियली मैं मेरे चैनल को देखना चाहता है, मुझे फॉलो करना चाहता है, मुझे सिर्फ वो ही बंदा चाहिए, वो ही मुझे सब्सक्राइब करे, और जो मुझसे मोहब्बत करता है। मेरे हर रंग के हालात में मैंने देखा है अपने सब्सक्राइबरों को, पुराने पुराने जो मेरे साथ थे, मेरी एक वीडियो 24 आवर्स में आई और वो सब के सब आए एकदम और मुझसे पूछने लगे, मेरे पास जवाब नहीं था किसी बात का देने का, और ये मैं उनके लिए आई हूँ, और मैं उनसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ ऑन स्क्रीन। मैं उनको कहती हूँ मुझे माफ़ कर दो, मैंने आप लोगों को भी हर्ट किया अपने साथ साथ, और मोस्ट वेलकम आप लोग मेरे चैनल पे आए, और जब जब आप लोग कहेंगे मैं कैमरे के सामने आऊँगी, जैसे जैसे वीडियोस आप लोग कहेंगे मैं डालती रहूँगी, और मैं कोशिश करूँगी कि मैं कोई गलत वीडियो ना डालूँ, लड़ाइयों वाली ना डालूँ, लोग हैं मुझे तंग कर लेते हैं, फिर मैं आ जाती हूँ, बोल लेती हूँ बात, लेकिन मैं कोशिश करूँगी, लोगों को मेरा वो रूप पसंद नहीं है, मेरे सब्सक्राइबरों को, उनको मेरा अच्छा रूप पसंद है, तो मैं ऐसे ही आऊँगी, उनके लिए आऊँगी, और दैट्स इट गाइज, बस वीडियो को मैं यहाँ पे ख़त्म करूँगी। वंस अगैन थैंक यू सो मच, और आप लोग मेरा यही चैनल है, इसी को ही फॉलो करें, यही इसका लिंक होगा इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, वीडियोस इधर उधर आती जाती रहेगी, पता चल जाएगा, और बस चैनल मेरा यही रहेगा और इसी पे ही मैं आऊँगी, और बस मेरे पास इतना कुछ कहने को है तो नहीं अभी क्योंकि ज़रा भी बुखार से उठी हूँ थोड़े बुखार से उठी हूँ, वो कहते हैं ना कि बादल घरचे पता नहीं क्या उसको बोलते हैं, मेरे पे आए और गए, और सारे हालात जो थे वो धुले और आए गए, बस ऐसे ही है, लाइफ है, कोई बात नहीं। साफ बात करती हूँ, किसी की भी कौन सा ऐसा बंदा है जिसकी लाइफ में कुछ बुरा ना हो, मैं यही कह सकती हूँ, और बाकी
बहुत शुक्रिया आप लोगों का सपोर्ट करने का, आप लोगों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। मैं आप लोगों का बहुत बहुत थैंक्स अदा करना चाहूँगी, और आप लोगों को मैंने रुलाया, ये मैंने बहुत बड़ा हर्ट किया, मैं इसकी माफ़ी मांगना चाहूँगी, ठीक है। और फ्यूचर में हम इसी चैनल पे आएंगे और इंशाल्लाह ताला अच्छी अच्छी वीडियोस बनाएंगे, कोशिश करेंगे, ठीक है। और दैट्स इट, अपना बहुत बहुत ख्याल रखें गाइस, और ऑन ऑफ आती रहूँगी मैं। ऐसा मैं नहीं कहूँगी कि मैं आऊँगी इतने महीने बाद, मैं ऐसे नहीं कहूँगी। हाँ, मैं जब मेरा मूड होता है मैं उठ के वीडियो बना लेती हूँ, वो वीक में भी हो सकता है, 2 हफ्ते में भी, 3 में भी, इस तरह होता रहेगा, और मुझे माफ़ कर दो। और बस मैं यही कहूँगी, मैंने सब कुछ डिलीट कर दिया था, और स्लोली स्लोली सब आ जाओ जो जो आना चाहता है, और प्लीज़ गलत कोई भी ना आए। मैं नहीं चाहती मेरे चैनल पे दोबारा कोई गंद हो, मैं अपने चैनल को साफ सुथरा रखना चाहती हूँ, अच्छा रखना चाहती हूँ, तो प्लीज़ गलत लोग ना आए। और दैट्स इट, मैं इतना ही बोलूँगी कि कोई गलत इंसान ना आए और मुझे कोई गलत मैसेजेस वो कमेंट ना करे, ठीक है। अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं, आई नो, लेकिन मैं इतना ही करूँगी कि जिनको मैं पसंद नहीं हूँ वो मुझे फॉलो ना करें, ठीक है। और दैट्स इट, अपना ख्याल रखें, मैं अभी ठीक हूँ, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, और सब ठीक है। चैनल नहीं आया बड़ी कोशिश की कि उस पर आप लोगों को वीडियो बनाऊं, लेकिन नहीं आया, वेट किया मैंने, और जाते वक्त वीडियो नहीं बना सकी गाइस मैं, वो इसलिए कि मेरे पास चैनल नहीं था। मैं कैसे आप लोगों को बाय बाय कहती, और वैसे भी अगर ये हादसा ना होता तो मैं बाय बाय आप लोगों को नहीं कहती, नहीं जाती इस तरह मैं, लेकिन समहाउ मेरा सारा कुछ एक अचानक हुआ, अचानक, किसी को नहीं पता कि वो क्या करने वाला है, और अचानक सब कुछ ख़त्म हो गया, तो मैं कहाँ से आप लोगों को खबरदार करती, वीडियो बनाती या ऐसी बात करती, आप लोगों के साथ कम्युनिकेशन किसी भी किस्म की मैं करती। तो वीडियो 19 मिनट की हो गई है, कोई बात नहीं, काफ़ी टाइम बाद आ गई हूँ। और अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें, और मैं पश्तो में भी एक वीडियो बनाऊंगी अपने सब्सक्राइबरों के लिए, जो पठान है, ये मैंने उर्दू के लोगों के लिए बनाई। पठान बहन भाइयों के लिए मैं एक मैसेज दूंगी, वो थोड़ी छोटी बनाऊंगी, कोशिश करूंगी, ये लंबी हो गई, काफ़ी टाइम बाद आई ना, तो इसीलिए थोड़ी वीडियो लंबी हो गई। चले, अपना ख्याल रखें और दुआओं में याद रखें गाइस, अपना बहुत बहुत ख्याल रखें, और मुझे माफ़ कर दें, और मेरी कोई भी बातें कुछ भी बुरा लगे तो वंस अगेन प्लीज़ फॉरगिव मी, टेक केयर, लव यू ऑल एंड बाय बाय। ओके गाइस, मैं एक बात आप लोगों को बताना भूल गई, मेरे इस चैनल पर मेरी जो पुरानी वीडियोस है, जो मैं इधर उधर से उठा के मेरे दोस्तों के पास, किसी के पास जो मेरी वीडियोस है पुरानी, तो वो मैं इस चैनल पर डालती रहूँगी। और आप लोग मुझे पागल ना समझे कि मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ, मैं इसलिए ऐसे कर रही हूँ कि मैं चाहती हूँ कि मेरे इस चैनल में मेरी वीडियोस हो अच्छा, जो मेरी लड़ाइयों वाली वीडियोस थी ना गाइस, वो नहीं होगी, कोई भी नहीं होगी, ठीक है। इसमें कोशिश होगी जो मेरी अच्छी वीडियोस थी वो ही मैं अपने इस चैनल में डाल दिया करूँ, और अगर आप लोगों को वो देखनी है तो कोई बात नहीं, देख लिया करें, आप लोगों पर है, अगर नहीं देखनी तो कोई बात नहीं, ना देखें। वो जो इस चैनल पे जो मेरी वीडियोस आएगी वो सारी मेरी पुरानी वीडियोस होगी, और साथ साथ में मैं अपनी नई भी डालती रहूँगी, ऑफकोर्स ये मेरा चैनल है इस पर मैं नई भी डालती रहूँगी, और पुरानी भी इधर उधर से उठा उठा के मैं अपनी वीडियोस डाल दिया करूँगी। और अगर किसी को वो देखनी है तो ये बहुत अच्छा होगा, देख लिया करें, क्योंकि इस तरह उस वीडियो का जो व्यूज़ वगैरह है वो थोड़े बढ़ेंगे, और दूसरा ये है कि उसमें मेरे लिए वो वीडियोस अच्छी है क्योंकि मेरे ही चैनल पे वही वीडियोस वापस आ जाएगी। आई नो वो थोड़ी साफ़ नहीं होती है, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, मुझे तसल्ली तो थोड़ी सी होगी ना कि मेरी वीडियोस है, चलो जितनी मुझे मिल गई आ गई वापस इसी में ही, तो मैं इस तरह काम अपना बेटर कर पाऊँगी और ख़ुशी से कर पाऊँगी, मज़ीद चल पाऊँगी, ठीक है।
तो बस मैंने यही मैसेज आप लोगों को देना था कि अगर आप लोग थोड़ा सा इग्नोर मारे, क्योंकि ये मैं अपने ही लिए इसी चैनल में अपनी वीडियोस डाल रही हूँ जस्ट फ्यूचर के लिए कि मेरी वीडियोस इसमें हो। ऑफ कोर्स मैंने इतनी मेहनत की है तो मैं अपनी वो मेहनत ज़ाया नहीं करना चाहती हूँ। तो अगर आप लोग बस मुझे पागल ना समझे कि ऐसे क्यों कर रही है, आई होप काफ़ी लोगों को पता होगा कि मैं ऐसे क्यों कर रही हूँ, लेकिन मैंने आप लोगों को फिर भी ये बताना था कि मैं इस तरह इसलिए कर रही हूं मैं कि मैं चाहती हूं कि मेरी वीडियोस मेरे चैनल में कुछ जितनी हो सके आ जाएं। मुझे थोड़ी सी तसल्ली हो। चले ठीक है।